नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाई को आज 33 दिन हो गए, 33। इस बीच इसराइल ने गाजा पट्टी के करीब आधे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। इसराइल की थल सेना, वायु सेना और नौसेना की मिलीजुली कार्रवाई के तहत उत्तरी गाजा पर अब लगभग पूरा इसराइल के कब्जे में और गाजा शहर को इसराइल की सेना ने घेरा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसराइल गाजा के दो हिस्से करने की योजना बना रहा है या पूरे गाजा की सुरक्षा अपने कब्जे में लेने की योजना पर काम कर रहा है। इस पर हम आगे खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। इजरायली सेना की लगातार चेतावनियों के बाद लाखों लोग उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण की ओर जा चुके हैं और बाकी लोग भी इसराइल के दबाव में अपने घर छोड़ने को मजबूर। परेशान हताश लोग अपने साथ बचा कुचा सामान लेकर भारी दिलों से अपने घर छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं लगातार, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं। मंगलवार को करीब 15,000 लोग नॉर्थ साउथ हाईवे से होते हुए उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर चले। इसराइल लोगों को दक्षिण गाजा की ओर जाने के लिए रोज 4 घंटे का समय दे रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक करीब 15 लाख लोग दक्षिण गाजा की ओर जा चुके हैं। कुल आबादी 23 लाख थी, जिसमें से 15 लाख जा चुके और गाजा की कुल आबादी का ये 70% गणित आप कर लिया। अब इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और घायल भी शामिल हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई इजरायली चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा है, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन चेक पॉइंट से गुजरने वाले लोग जब इजरायली टैंकों के सामने से गुजर रहे हैं तो वो हाथ खड़े करके और सफ़ेद झंडे दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से करीब 10,570 फिलिस्तीनियों की इसराइल के हमलों में अब तक मौत हो चुकी है, ये दावा है। जिनमें से 4,000 यानी कि करीब 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2,500 से ज्यादा महिलाएं शामिल। उधर इसराइल के 1,400 लोग हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। 242 बंधक हमास के कब्जे में। इस बीच इसराइल की सेना ने आज ये कहा है कि उसने हमास के एक टॉप हथियार एक्सपर्ट महसीन अबू जिना, इसके समेत कई लड़ाकों को गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मार गया। ये सभी लड़ाके काफी समय से इसराइल की सेना के से भिड़े हुए। इसराइल की सेना बीते एक हफ्ते से गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों से लड़ रही। इसराइली सेना ने करीब आधे गाजा यानी कि उत्तरी गाजा पर कब्जा कर लिया है। ये मैप के सहारे आप देख सकते हैं, ये जो जितना एरिया ब्लू में है ये सिर्फ नॉर्थ गाजा है, गाजा पट्टी उसका नॉर्दर्न हिस्सा, यही सबसे ज्यादा घना आबादी क्षेत्र था। इसी पर एक तरीके से अपना कब्जा जमाया है इसराइल, गाजा सिटी को पूरी तरीके से घेर लिया। इसराइली सेना के मुख्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने, उनके मुताबिक सेना के इंजीनियर गाजा में कई किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों को धमाकों से बर्बाद कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के सौजन्य से इस नक्शे में आपको ताजा हालात का अंदाजा मिल जाएगा। इसमें उत्तर की ओर एरो और दक्षिण की पूर्व की ओर एक एरो दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर। ये वो जगह है जहां से इजरायली सेना गाजा में घुसी। गाढ़े नीले रंग से जो इलाका आपको दिखाया जा रहा है या जो आप इसमें देख रहे हैं, डार्क ब्लू, ये वो जगह है जहां पर इजरायली सेना का जमीनी अभियान अभी भी जारी है। पीले रंग से जो इलाके आपको दिख रहे हैं, वहां 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हुई लड़ाई में भारी नुकसान हुआ है। और लाल रंग जहां दिख रहा है, वहां 25 अक्टूबर के बाद से तेज हुई लड़ाई से नुकसान दिखाया गया है इसमें, यानी कि यह ताजा नुकसान है। इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो कई अस्पतालों और रेफ्यूजी कैंपों को निशाना बना रहा है। ये हमने और फुल फ्रेम कर दिया है ताकि आपको एक अंदाजा मिले। नीचे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं वो हो गया साउथ गाजा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है गाजा शहर, इसको नॉर्थ गाजा कहते हैं, गाजा स्ट्रिप में।
यहाँ पर ये जो धमाके हैं ये आप वो देख सकते हैं जो नए पुराने सब धमाके हुए हैं, और नीला नीला एरिया जो है वो जगह है जहाँ से इसराइल धीरे 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 गाजा पर कब्जा कर रहा है। इस मैप में आपको दिख रहा है कि अल कुदस अस्पताल, जबालिया कैंप, बुरेजी रेफ्यूजी कैंप और बेत हानून इसराइल के तोप और हवाई हमलों के निशाने बने हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर रिलीफ कैंप्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, यहां पर भी अटैक हुआ है। अल कुद्स अस्पताल जो है उसके करीब बीती रात हमले हुई, बमबारी हुई और ये लगातार चली रही है और अस्पताल को जाने वाली सभी सड़कें बंद हैं जिसकी वजह से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। आज ही दक्षिण गाजा में अल नासिर अस्पताल के करीब एक मस्जिद को इजरायली हमले में उड़ाने की खबर सामने आई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ये कहा कि बीते एक महीने में गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान बहुत ही कामयाब रहा है। इसराइल के सैनिकों को टेलीविजन के जरिए संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम वहां गए और दुश्मन पर सीधे हमला किया, हम रुकेंगे नहीं, अंत तक लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि इसराइल की इस पूरी फौजी कार्रवाई का आखिरी मकसद क्या है? आतंकवाद खत्म करना है या कब्जा करना है, जमीन हथियाना है? क्योंकि आप जानते हैं ये जो पूरा विवाद था इस इलाके का, हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं, वो जमीनी विवाद, एक हक कि ये जमीन हमारी है, ये हमारा मदरलैंड है, हमारा होमलैंड है, उसी की लड़ाई थी। क्या वो हमास को सिर्फ सबक सिखाना चाहता है या अपने ऊपर हमले के बहाने अब वो गाजा को अपने कब्जे में लेना चाहता है? यानी कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि उत्तरी गाजा का हिस्सा पहले और उसके बाद पूरी गाजा पट्टी इसराइल कहलाने लगे या इसराइल के कब्जे में रहे, कि वो इसराइल के नक्शे में शामिल ना हो लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसराइल का हो जाए। इसी सोमवार को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एबीसी न्यूज से कहा कि इसराइल गाजा पर लगातार अपना कब्जा बनाए रखेगा। हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से नेतन्याहू का गाजा को लेकर यह पहला खुला बयान है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी पर उन्हें राज करना चाहिए जो हमास की तरह आगे नहीं चलना चाहिए। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया और यह साफ नहीं किया कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकत की या खुद की। नेतन्याहू ने यह कहा है कि मैं सोचता हूं कि इसराइल अनिश्चित काल तक गाजा की सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने ऐसा नहीं किया है तो क्या हुआ है। यानी कि वो परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं इसराइली फोर्सेस की। तो अब इसके मायने क्या निकाले? आप वहां अपनी फोर्स तैनात करके रखेंगे और वहां के लोग जो हैं वो फिर क्या कहलाएंगे? क्या ये इसराइल का हिस्सा बन जाएगा? ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। नेतन्याहू की ये टिप्पणी इसराइल की बदलती नीति की तरफ एक इशारा है। विदेशी राजनयिक इस बात से चिंतित हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद इसराइल की योजना क्या है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध के बाद गाजा पर फिर से कब्जे के मामले में इसराइल का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस मुद्दे पर नेतन्याहू को स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। इससे पहले जो बाइडन कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा करना इसराइल की गलती होगी। अमेरिका भले ही इसराइल के गाजा पर कब्जे के खिलाफ हो, लेकिन कई पश्चिमी देश लगता है ये मान रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए तो गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल को ही लेनी चाहिए। तो क्या इसराइल गाजा को दो हिस्सों में बांट सकता है, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा? और क्या नॉर्थ गाजा का कब्जा शुरुआत में ले सकता है, जिस तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इशारा भी कर रहे हैं? अब इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं इसराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खीवरा जांगिड़। डॉक्टर जांगिड़, क्या आपको लगता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री गाजा को दो हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं या बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, गाजा को दो हिस्सों में बांटने वाली बात नेतन्याहू की मुमकिन नहीं होगी, वो इसलिए कि आर्मी शायद उस बात को न माने। पर सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का इस बारे में रुख बिल्कुल साफ है शुरू से ही। जो बाइडेन का शुरू से ही कहना था कि पोस्ट वॉर गाजा, मतलब पोस्ट वॉर हमास जो स्थिति गाजा में होगी
वो फिलिस्तीनियन स्टेट की होगी। 3 दिन पहले जब एंथनी ब्लिंकन यहाँ आए थे तो उन्होंने रमल्ला में जाके पहली बार महमूद अब्बास के साथ मीटिंग करी, और महमूद अब्बास ने उस मीटिंग के बाद ये पब्लिकली कहा कि वो गाजा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं अगर एक राजनीतिक हल फिलिस्तीन के लोगों के लिए इसराइल के साथ मुमकिन है, जिसको अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है करवाने के लिए। नेतन्याहू की स्थिति इसमें बड़ी खराब है। नेतन्याहू के लिए अंदरूनी तौर पे चीजें बहुत गलत चल रही हैं। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब तक जो उनको बंदियों को न छुड़ाने वाली जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते वो किसी भी तरह से अपने देश के लोगों को अपनी ताकत या अपनी किसी कारस्तानी का हवाला दे नहीं पा रहे हैं। तो नेतन्याहू ये बड़े जो बोल बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने वाले हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि अमेरिका की मदद के बिना इसराइल ये कर सकता है, और अमेरिका की मदद के बिना इसराइल इस काम को करने में किसी भी तरह से कामयाब होगा। जहांगीर साहब, इसराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल ही संभालेगा। क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं, तब तो वो एरिया आप ही के कंट्रोल में हुआ, यानी कि आपका हुआ। ये जो सिक्योरिटी वाला जो पूरा एक पैराडाइम है ना, नेतन्याहू ने जो पिछले 17 साल की अपनी राजनीति में बनाया है कि हम ऑक्यूपेशन और गाजा के ब्लॉकेड को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी इससे मिलती है। अब 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस बात का तो कोई मायना नहीं रहता, तो ये कैसे मान लिया जाए कि गाजा के उत्तरी हिस्से पे कब्जा करने से, हमास के हमले या हमास की लड़ाई से वो किसी तरह की अलग किस्म की तैयारी कर लेंगे? मेरे ख्याल से ये बात इसराइल के अंदर बहुत सारे मिलिट्री के लोग नहीं मानेंगे, और इसराइल के बाहर अमेरिका और यूरोप के उनके साथी नहीं मानेंगे। इसकी 2 वजह हैं। विश्व में इस बात की कोई शंका नहीं है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक सहानुभूति है और एक जन आक्रोश भी है। अभी तक की जो यूरोप और अमेरिका की सरकारें हैं वो हमास की लड़ाई के चलते उन विरोधों को झेल रही हैं, पर जिस समय ये बात साफ होगी कि हमास के जाने के बाद इसराइल की आर्मी गाजा के किसी भी हिस्से को ऑक्यूपाई करेगी, तो ये सरकारें उनके समर्थन में नहीं होंगी। और ये तर्क बिल्कुल मायने नहीं रखता कि खाली उत्तरी गाजा में इसराइल की आर्मी के रहने से इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ सकती है। इसराइल की सिक्योरिटी का जो सबसे अचूक इलाज है वो ये है कि 2 राज्यों की मांग फिलिस्तीन के साथ पूरी की जाए, और उस शांति वार्ता उस शांति के बाद इसराइल के लिए अपनी सिक्योरिटी को अंतर्राष्ट्रीय सहमति और साथ के साथ ज्यादा कामयाबी मिलेगी, बजाय कि मिलिट्री के जरिए। तो ये सवाल इसको जरा आगे लेकर के जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर इसराइल एक इस तरीके का शासन स्थापित करे जो कि वेस्ट बैंक में है। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, जो अभी मैं सवाल पूछना चाह रहा था जहांगीर साहब से, कि अभी मंगलवार को ही टोक्यो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा है कि मैं सोचता हूं कि भविष्य में किसी वक्त स्थायी और शांतिपूर्ण 2 राष्ट्र समाधान के तहत दुनिया एक फिलिस्तीनी नेतृत्व को देखना चाहेगी, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद और एक नए नागरिक नेतृत्व के तैयार होने से पहले ये जरूरी हो जाएगा कि जमीन पर मौजूद फौज सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले। क्या वो फिलिस्तीनी नेतृत्व फिलिस्तीनी अथॉरिटी का होगा? ये सवाल भी अब उठ रहा है। रविवार को ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रामल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। बातचीत इसराइल गाजा युद्ध के बीच मानवीय सहायता पहुंचाने और वेस्ट बैंक में शांति स्थापित करने पर हुई। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो अमेरिका इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों की गरिमा और सुरक्षा के लिए एक समान प्रतिबद्ध है, लेकिन कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका हमास के सामने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की मजबूती से खड़ा करना चाहता है। लेकिन अरब देशों के राजनयिकों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ऐसी कोशिश को खारिज कर दिया।
सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वही हमास है जिसका जन्म इसराइल की वजह से हुआ, क्योंकि उनको इसी फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल जो पिछले रूप में था उसको कमज़ोर करना था, और आज उसी को नस्तनाबूद करके एक बात ऐसी आ रही है कि आप फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वहाँ गाजा पट्टी में उनको ऑथराइज करें कि आप चलाइए इसको। ये एक बात है, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है साहब। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है 2007 में गाजा से बाहर हो गई थी जब चुनावों में वो हमास से हार गई। तो क्या गाजा के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को खड़ा करने की कोशिश सिर चढ़ सकती है? इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार वाइल आवाज से। अगर इसराइली स्ट्रेटजी अभी तक किसी को मालूम भी नहीं है, सिर्फ उनका एक ही स्ट्रेटजी हमास खत्म करना चाहिए। लेकिन हमास में मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा ये सरकार का सरकार है ना, उन्हें पूरा 17 साल के लिए वहां पर ये गाजा स्ट्रिप में वहां पर उन्होंने काफी इंस्टीट्यूशन बनाया था, सब कुछ बनाया था, लेकिन एकदम वो कह रहे हम वो उसकी खत्म करना चाहिए। ठीक है, आप ये स्ट्रेटजी करा दिया, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? अगर आपके लिए अंदर जाना पड़ेगा, इसका मकसद ये खत्म करना चाहिए हर जिंदगी में जो भी चीज जिंदगी के लिए रहने के लिए वाले लोग है वहां पर खत्म करना चाहिए। तो अभी तक सिक्योरिटी बात करना चाहती बिल्कुल बकवास है, उसके लिए सिर्फ टाइम खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म करना चाहिए गाजा का। ये किसी की मतलब 50 साल की बात, जब तक दोबारा ऐसे पहले वाले 7 अक्टूबर से पहले ये तो गाजा फिर बन जाते, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जितना लोग मर गया था, जितना डिस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया था, सरकार के बिल्डिंग भी है, स्कूल भी है, मदरसा है, सब कुछ तोड़ दिया था बिल्कुल है। तो अभी लोग में यहाँ पर जो हॉस्पिटल लोग जाते उन्होंने मार रहा है, 10,000 ऊपर भी चला गया था, 30,000 वाले के लोग इंजर्ड हो गया। तो अब ये जाना ये तो रुकते नहीं है जब तक ऑब्जेक्टिव उनकी खुद मालूम भी नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिल्कुल नहीं देते। अगर वो देख लो अमेरिका में वो पूरा इन्वेजन किया था, अफगानिस्तान में इराक इन्वेजन भी करा दिया था, लीबिया भी कराया था, अभी तक यहाँ पर क्या हालत बना रखा? कुछ नहीं हुआ उसकी। बिल्कुल जैसे सरकार भाग गया था, सरकार वो अमेरिकन वाली के थ्रू निकल गया था, वो अभी वही हाल चल रहा है। मतलब ये रो स्टेट बनाने के लिए, लेकिन जब तक उनकी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, टू स्टेट सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। और ये तो प्रेशर लगा देंगे ये इजिप्ट के ऊपर, ये बिल्कुल गाजा स्ट्रिप गवर्न करना चाहिए, इसका मकसद एक ही है, ये तो बिल्कुल इजिप्शियन के साथ में गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में हमारा जो फलस्तीनी वाले लोग रहने के लिए, यहाँ पर जॉर्डन भी भेज सकते हैं। तो ये पूरा इजरायली यहूदी के लिए सिर्फ बनाने के लिए ये शहर ऑब्जेक्टिव है। 75 साल हो गया था, तो अभी चल रहा था, अभी तक कोई रुकते नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है और अमेरिकन में, खुद अमेरिकन में जब तक उनकी इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे तो आप रुको, अभी तक हम तो रुकते नहीं है, वो तो मना कर रहे रुकने के लिए। इसका एक अमेरिकन ऑब्जेक्टिव ये की है, जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया था तो उन्होंने बिल्कुल ग्रीन कार्ड दे दिया था, तो करो जो मर्जी करवा दो। अभी तक जो लोग मारने के लिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज आ रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाइल आवाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए जरा आपको उसके बारे में बता दें। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में जो एथिक्स कमिटी है उसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस पर हम अपने सहयोगियों के पास भी जाएंगे, देखते हैं अगर अखिलेश जी से या प्रशांत जी से अगर फोन पर संपर्क हो जाए तो उनके पास जाएंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अब एक सिफारिश सामने आ गई है। मामला क्या है? जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मामला चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। एक आरोप लगा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कि वो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछती थी, और इस पर सबसे पहले तो वकील और उसके बाद फिर एक बिजनेसमैन, दोनों ने ये आरोप लिखित में यानी कि एक रिटन एफिडेविट में उन्होंने ये प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए। अब ये जो एथिक्स कमिटी है इसने ये पाया है अपनी जांच में कि ये वाकई ये केस है, और इस वजह से उन्होंने सिफारिश की है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए कैश फॉर क्वेश्चंस केस में।
ये मामला जो है वो अब सीबीआई भी जांच करेगी। इस मामले को लेकर के खासी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि जो ये कमिटी है, जो ये एथिक्स कमिटी है, वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर के ये फैसले ले रही है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए वो शालीनता के दायरे में रह करके नहीं पूछे गए। अब इस पर देखना ये होगा कि उनका जवाब क्या आएगा और आगे की रणनीति क्या होगी, महुआ मोइत्रा की खुद और उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसकी। प्रशांत हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस पर आप और जानकारी दे सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब, महुआ मोइत्रा की तरफ से जवाब, या फिर इस रिपोर्ट में बारीकी से अगर आपने पढ़ी हो या जाना हो तो क्या लिखा है? जी देखिए, संकेत जो सिफारिश की गई है रिपोर्ट में वो मैंने देखी है, और सिफारिश में तीन प्रमुख बातें कही गई हैं रिपोर्ट की। कि पहला ये कि जो अनएथिकल कंडक्ट है एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा का, इसके लिए उन्हें संसद की सदस्यता उनकी खत्म की जाए, उन्हें एक्सपेल किया जाए, और इसके लिए सिफारिश की गई। दूसरी बड़ी सिफारिश ये की गई है कि जो भी और इसकी जांच की जानी चाहिए, और उसमें रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी इंस्टीट्यूशनल जांच की जाए, लीगल जांच की जाए किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, मतलब समयबद्ध तरीके से इसकी जांच की जाए। आपको याद होगा जो 2005 में ऐसा मामला आया था जिसमें 11 सांसदों की सदस्यता गई थी, संकेत, उसमें फिर जो क्रिमिनल मामले चले, जो आपराधिक मामले चले, वो सालों साल चलते रहे और अभी भी वो मामले चल ही रहे हैं। तो कमिटी ने ये रेकमेंड किया है कि समयबद्ध तरीके से किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। तीसरी बात जो सबसे बड़ी अनुशंसा की ये की गई है कि दर्शन हीरा नंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच में जो पैसों का लेन देन जो हुआ है, जो उसका मनी ट्रेल, उसके मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी समयबद्ध तरीके से, जो जिसकी जिसका आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर दर्शन हीरा नंदानी से और संसद में सवाल पूछे, उसकी मनी ट्रेल की भी जांच की जाए, वो भी किसी इंस्टीट्यूशनल जांच एजेंसी से। आप जानते हैं कि मनी ट्रेल या इस तरह के जो वायलेशंस होते हैं उसमें कई बार ईडी जैसी संस्थाओं को शामिल किया जाता है और वही इसकी जांच करती है। और आपराधिक मामला जो क्रिमिनल एंगल है इस पूरे मामले का, उसकी जांच, चूंकि आपने देखा कि सीबीआई आज निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया जो मुख्य शिकायत करता है कि उन्होंने जो लोकपाल से शिकायत दर्ज करवाई थी उस मामले में लोकपाल ने पूरा मामला सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया है। क्योंकि लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है वो सीबीआई होता है लोकपाल कानून के मुताबिक, तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेकमेंड कर दिया है। तो ये तीन बड़ी अनुशंसा की गई है इस रिपोर्ट में। और चौथी बात ये भी कही गई है, वो महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई नहीं है, जो दानिश अली है बीएसपी के सांसद, जो एथिक्स कमेटी के सदस्य है, 2 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें दानिश अली के कंडक्ट को भी सही नहीं पाया है कमेटी ने, और उसने ये सिफारिश की है कि उनको भी उनकी निंदा भी की गई है और सिफारिश की गई है कि उनको एडमोनिश किया जाए। तो हो सकता है जो संसद का सत्र शुरू होगा, चूंकि अब प्रक्रिया ये है कि एक बार कल कमेटी की बैठक होगी, उसमें रिपोर्ट को एडॉप्ट किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के पास सौंपा जाएगा, और कोई भी रिपोर्ट हो जब लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी कमेटी को जांच सौंपी है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को वो सदन के पटल पर रखेंगे और फिर नियम के मुताबिक सदन ही उस पर फैसला करेगा। तो माना यह जा रहा है कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो पहले दिन इसको लेकर एक मोशन मूव किया जाएगा। बहुत ही विस्तार से उस पर ये सारी बात, जी बहुत ही विस्तार से ये सारी बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जो टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अभी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये सुझाया गया है, सिफारिश की गई है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अश्विनी दुबे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी देखिए, एक तो हो गया ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, अब इसके आधार पर स्पीकर, पहले तो ये सदन के पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद फिर संसद में इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अभी हमने ये देखा कि एक सीबीआई की इंक्वायरी भी और होगी, तो प्रोसीजर क्या है,
क्या सीबीआई की इंक्वायरी से पहले सदस्यता रद्द की जाए, या प्रोसीजर ये कहता है कि पहले कार्रवाई हो जाए पूरी, ये साबित हो जाए सीबीआई की जांच में ये सामने आ जाए कि वाकई कुछ गलत हुआ था और तब ये फैसला लिया जाए, जरा कानून के हिसाब से बताएं। सीबीआई इंक्वायरी, संकेत जी, लोकपाल जो बना है, लोकपाल के सामने जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है, और ऐसे में होती है कि जब जो प्रिपरेटर्स ऑफ अरेस्ट, प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, कानून बनाने वाले हैं, और अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जाते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से डिसीजन लेने में टाइम लगता है। तो उसके लिए जो निशिकांत दुबे जी की जो कंप्लेंट थी, उस पर जो लोकपाल है, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो खास तौर से इसी काम के लिए बनाई गई है, उसने डिसीजन लिया और उसके बेसिस पर जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई। तो वो तो एक अलग विषय हो गया। विषय यहाँ यह है कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 जिसमें प्रिविलेज और इम्यूनिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ पब्लिशिंग यूनिटी, उसके कॉन्ट्ररी जब काम होता है, तो जो एलिस्ट कैश और क्वेरी जो स्कैम है, जिसके बेसिस में दो, जो एक तो उसमें जो मेन कहना चाहिए जिन्होंने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज किया, जो कह रहे हैं तो जिसके एफिडेविट में आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम ऐसे आर्टिकल, तमाम ऐसे गिफ्ट, तमाम कैश या तमाम और मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए, उनके स्टेटमेंट के बाद जो प्रिविलेज एथिक्स कमेटी बनी, एथिक्स कमेटी ने अपने क्वेश्चन के लिए बुलाया, और दो तीन स्टेटमेंट होने के बाद, पहला स्टेटमेंट हो गया जय अनंत हेब्राई का, दूसरा आपका निशिकांत दुबे का, और तीसरा जो अटेस्टेड एफिडेविट हो गया इनका, जो दर्शन हीरानंदानी है, तो वहां जाकर के बजाय कि वो क्वेश्चन को आंसर करने के तमाम एक्सक्यूज करने लगी। तो जब कोई भी कमेटी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है और उसमें क्वेश्चन पूछे जाने के बजाय, वहां पर आंसर देने के बजाय वो लगातार अगर एक्सक्यूज करने लगे, तो वो रिकमेंडेशन की जो पावर है एथिक्स कमेटी की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, और तो जो रिकमेंडेशन हुई है वो रिकमेंडेशन एथिक्स कमेटी की है, जिसके लिए दो क्वेश्चन फ्रेम हुए, वो दोनों क्वेश्चन की क्या इन्होंने कैश फॉर क्वेरी जो स्कैम है उसमें किसी प्रकार का इनका इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड जो यहाँ का पार्लियामेंट का है उसका एक्सेस उन्होंने बिजनेस राइवल को दिया, तीसरा अगर वो क्या पार्लियामेंट के गिल्टी है कंटेम्प्ट की, ये तीनों बातें हैं इसका जो क्वेश्चन था। तो ये एथिक्स कमेटी के पूरे प्रिविलेज पर, डिस्क्रिप्शन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर निर्भर करता है, और इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जो हैं, वो भी उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है इस पर, आइए पहले उनकी रिपोर्ट देख लें। जी, आचार समिति की कल शाम को 4 बजे बैठक होनी है, और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 500 पेज की रिपोर्ट है महुआ मोहित्रा के खिलाफ, जिसको कल एडॉप्ट किया जाएगा। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बातें यह है, पहली बात तो यह है कि समिति ने यह पाया है कि महुआ मोहित्रा के ऊपर जो आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया, वो सही पाए गए हैं, और इसके आधार पर चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा इसे माना गया है, ये सिफारिश की गई है समिति की इस रिपोर्ट में कि महुआ मोहित्रा की जो लोकसभा सदस्यता है उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, यानी उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये सिफारिश इस आचार समिति की रिपोर्ट में की गई है। दूसरी बात यह भी की गई है कि जो आरोप लगाए गए दर्शन हीरानंदानी की ओर से कि पैसों का लेन देन किया गया लोकसभा में सवाल पूछने के लिए, तो इसमें जो मनी ट्रेल है इसकी जांच भी भारत सरकार करवाए कि आखिर कितना पैसा दिया गया और ये पैसा किस तरह से महुआ मोहित्रा के पास पहुंचा है और ये कितना पैसा है, ये सारी जांच भी भारत सरकार को करानी चाहिए। तीसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि जो 2 नवम्बर को बैठक हुई थी जिसमें कि दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद हैं, इस समिति के सदस्य हैं, उनका जो आचरण रहा और जिस तरह से उन्होंने समिति के अध्यक्ष के ऊपर कई अपनी जो है लांछन लगाए, तो इस तरह से उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी निंदा करने का इसमें निर्णय किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस समिति की रिपोर्ट में कही गई हैं। करीब 500 पेज की रिपोर्ट है जिसे कल बैठक में एडॉप्ट किया जाएगा। हालांकि जो विपक्ष के सदस्य हैं इस समिति के सदस्य, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस सिफारिश से सहमत नहीं है, और कल जब रिपोर्ट ये लाई जाएगी तो उसमें वो अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं,
लेकिन चूंकि इस समिति में जो बहुमत है वो बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों के सांसदों का है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा और इस तरह से महुआ मोहित्रा की जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है, तो उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण फैसला इस समिति की ओर से किया गया है और ये निश्चित तौर पर महुआ मोहित्रा के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए रुक करते हैं अगली खबर। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा भारत समेत एशिया प्रशांत के कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, खास तौर पर जब से ये आर्थिक तौर पर एक संकट श्रीलंका पर आया और उसको अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। तब से इस इलाके में चीन की मौजूदगी बढ़ गई है, जो भारत के लिए आर्थिक ही नहीं सामरिक लिहाज से भी ठीक नहीं है, चिंता का विषय। इन हालात में कोलंबो के पोर्ट टर्मिनल के लिए अमेरिका द्वारा $550 मिलियन से ज्यादा यानी कि 4600 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला एक बड़ी उम्मीद के तौर पर आया है। इस पोर्ट टर्मिनल का विकास एक भारतीय कंपनी अडानी समूह की एक कंपनी करेगी और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के CEO करण अडानी का ये कहना है कि ये श्रीलंका के प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा निवेश है। ये प्रोजेक्ट भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। किसी भी भारतीय कंपनी के बंदरगाह में ये इस तरह का पहला निवेश है। अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक पोर्ट टर्मिनल में निवेश के लिए $553 मिलियन यानी करीब 4600 करोड़ रुपए का निवेश मुहैया करवाएगी। अदानी ग्रुप इस बंदरगाह का विकास कर रहा है। कोलंबो पोर्ट पर ये डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक अहम बुनियादी ढांचा मुहैया करवाएगा। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि श्रीलंका दुनिया के सबसे अहम ट्रांजिट हब्स में से एक है। वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए $553 मिलियन के DFC के प्राइवेट सेक्टर लोन से उसकी जहाजरानी क्षमता बढ़ेगी, जिससे कर्ज का बोझ बढ़े बगैर श्रीलंका की समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही इस पूरे इलाके में हमारे साथियों की स्थिति मजबूत होगी। पोर्ट ऑफ कोलंबो हिंद महासागर में सबसे बड़ा और व्यस्त ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सभी कंटेनर शिप्स के तकरीबन आधे यहीं से होकर गुजरते हैं। द रीजन व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन पोर्ट कंपनी For a port asset, we are getting a DFC financing. Second, based on their process, the rigor that they have gone through, it just repose faith that on our execution capability, on our ability to make a viable business out of it. इसे बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े निवेश में से एक माना जा रहा है। यही नहीं, इसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन का श्रीलंका में $2.2 अरब का निवेश है, जो श्रीलंका में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। हालांकि श्रीलंका के बुनियादी ढांचे में अपने निवेश को चीन ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के तौर पर बताया, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के डूबने के बाद चीन के निवेश ने संकट को और बढ़ा दिया और श्रीलंका एक कर्ज के जाल में फंस गया। इस सबके बीच श्रीलंका सरकार ये कहती रही है कि भारत उसका सबसे मजबूत सहयोगी है। Given that, at the end of the day, Sri Lanka will always have its independence in its decision making, and we will do what is best for the country and its citizens. If we choose to take a non-aligned stand in this particular region, then that's what the due diligence we do for our citizens. But however, we do recognize the fact that India is our closest neighbor and our strongest ally. There's no doubt about that. Sri Lanka ke aaspaas duniya ke jahazrani margon mein se sabse khas marg guzarte hain. Aise mein Adani samuh dwara viksit kiya ja raha नया टर्मिनल हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विकास श्रीवास्तव, NDTV इंडिया।
चाइना चीन का जो दबदबा है श्रीलंका में वो पिछले एक दशक से कम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो या कोलंबो पोर्ट में भी चीन का एक टर्मिनल है जिसमें चीन की कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चीन का जो मोडस ऑपरेंडी रहा है पिछले कुछ सालों में वो डेवलपमेंट फाइनेंस को लेकर रहा है। चीन अभी भी सबसे बड़ा लेंडर है डेवलपमेंट फाइनेंस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस के क्षेत्र में। अमेरिका धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। अगर हम उसका डेटा देखेंगे तो चीन अगर 80 बिलियन देता है एनुअली, तो अमेरिका धीरे धीरे कैचअप करके 60 बिलियन तक पहुंचा है। तो अभी जब हम ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेरिका के जो की जो एजेंसी है जिसने इस एड की लोन की घोषणा करी है, वो कहीं पर चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश जरूर है। और क्योंकि श्रीलंका खुद भी एक ऐसी परिस्थिति से गुजर चुका है जहां पर वो ये जो डेट ट्रैप के चक्कर में फंस गया था, और हमने पिछले 2 साल से देखा किस तरह से वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को वापस श्रीलंका वापस ढर्रे पर ला रहा है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन श्रीलंका के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस पोर्ट में कोलंबो पोर्ट में वेस्ट पोर्ट जो टर्मिनल है, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें भारत का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अदानी पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलकर कहीं पर ये कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका न सिर्फ एक सस्टेनेबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से श्रीलंका में आ रहा है वो भी उसको भी कम किया जा सके, चीन का प्रभाव कम किया जा सके और श्रीलंका को अल्टरनेटिव मिले चीन के अलावा। क्योंकि बहुत समय से जो छोटे देश हैं श्रीलंका जैसे देश हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चीन हमको पैसा देता है इसीलिए हम चीन के साथ चले जाते हैं, बाकी कोई देश हम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस कमिटमेंट के द्वारा जो अमेरिका है वो एक बार फिर इस बात को अंडरस्कोर कर रहा है कि वो भी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट फाइनेंस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं पर ये कोशिश जरूर रहेगी कि श्रीलंका को अल्टरनेटिव मिले और चीन जो दबदबा है श्रीलंका में, आर्थिक दबदबा है, वो कम हो। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के खीरी उचौलिया थाना क्षेत्र यानी कि लखीमपुर खीरी इलाके से मंगलवार को 2 बच्चों का अपहरण हो गया। जब काफी देर तक ये बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू हुई। शाम को दोनों बच्चे एक खेत में बोरी के अंदर बंद मिले, जिससे सब हैरान रहे। बच्चे ठीक थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। खेत में पड़ी एक बोरी को ग्रामीण खोलते हैं तो उसमें से 4 साल का बच्चा निकलता है। वहीं पास में ही एक और बच्चा रो रहा था। दरअसल ये पूरा मामला अपहरण का था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, एक युवक को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में फिरौती की बात सामने आई। कल एक शाम का सूचना मिली उचौले थाने में कि 2 बच्चे जो सुबह स्कूल गए थे वो वापस लौटे नहीं हैं। तत्काल थाने की टीम और गांव के लोग हैं, लगातार इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया है और उसमें कुछ ही देर बाद बच्चे की रिकवरी हो जाती है। बच्चे जो मिलते हैं वो बोरे में बरामद होते हैं। एक बच्चे के मुंह में टेप लगा के बांध दिया जाता है, हाथ पांव बांधे हुए थे। इसमें जब रात में छोटे बच्चे गर्भाए हुए थे, जब आज फ्रेंडली माहौल में थोड़ी जानकारी उनसे उनके परिजनों से लेने का प्रयास किया है तो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। खीरी के गांव एक घरा के अविनीश कुमार, राठौर का बेटा अनिकेत और इंद्रपाल का बेटा अंकित गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। रोज की तरह मंगलवार को भी दोनों स्कूल गए थे। उनकी छुट्टी करीब 11 बजे हो जाती लेकिन वो समय पर घर नहीं पहुंचे। दोनों के परिजन उनकी तलाश में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, वहां बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। शाम करीब 5 बजे दोनों बच्चे गांव के बाहर मिले। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। बताया जाता है कि जब पुलिस और परिजन बच्चों के पास पहुंचे तो एक बच्चा खुद को छुड़ा चुका था और दूसरा बच्चा बोरी में बंधा हुआ मिला। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? पुरानी वो रंजिश ना। बच्चे किसने ढूंढे थे?
बच्चे कुछ लोग कमलापुर के थे, कुछ ढाई के थे, उन्होंने ढूंढे। अच्छा, ये बच्चे गए कहाँ थे जब उन्होंने पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? बच्चे रुकुल से पकड़ा, आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी वहाँ से पढ़ के वापस आ रहे थे। हाँ, पुलिस का कहना है कि पहले तो अपहरणकर्ता बच्चों को पकड़कर दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में घबराकर बच्चों को बोरे में बांधकर खेत में छोड़कर भाग गए। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है कि यूपी में संगठित अपराध खत्म हो चुका है, लेकिन खीरी जिले में घटी दो बच्चों के साथ अपहरण की वारदात के बाद से ही पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले से प्रतीक श्रीवास्तव, एनडीटीवी।